खुश आमदेद कहते हैं आपको। अशरफी साहब, ये आपकी आमद में तालियां बजे गए। हाँ, ऊपर से नीचे आ रहे थे और भरपूर तालियां बज रही थी। शाने इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारा ये क्विज का राउंड है और जो हम सहरी में शाने इल्म खेलते हैं उसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से तलबा और तालिबात। आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स का तारुफ दाऊद यूनिवर्सिटी से हैं मीर मोहम्मद और अब्दुल सत्तार साहब, पीएफ किट से हैं मोहम्मद हम्माद और शर्मीन साहिबा, और कैस्पिट से हैं मोहम्मद उमेर और तुबा कमल। हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। तीन राउंड है जनाब। पहला राउंड है एक रैंडमली मैं आपसे सवालात करूंगा, चार 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 तीनों टीमों से चार 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 हम सवालात करेंगे। सही जवाब पर इसमें है 10 नंबर्स और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सवालात किसी भी शोबे से हो सकते हैं। अगले राउंड में आपको इख्तियार दिया जाएगा कि आप बताइए कि जनरल नॉलेज से सवालात किए जाएं, इस्लामिक सवालात किए जाएं या खेलों की दुनिया से। और आज के जो हमारे शाने इल्म के जो विनर हैं उनके लिए है जनाब, पहले मैं गिफ्ट हैंपर्स बता दूं सबके लिए, जो है वो है क्यू मोबाइल के, ब्रिज पावर के, कर्शी के और हाई स्पीड के, जबकि विनर के लिए वन एप्पल की जानिब से पीसी। और जो हमारा आज का विनर है वो साथ ही क्वालिफाई कर जाएगा हमारे ग्रैंड फाइनल राउंड के लिए। और जो हमारा फाइनल राउंड का विनर है उसके लिए तोहफे के तौर पर है क्यू मोबाइल की ये कार। जनाब अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाकायदा हम आगाज कर रहे हैं टीम ए आपसे। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, अगर कोई जवाब ना दे सके तो काउंटडाउन देने की सूरत में, इनका साथ नहीं देना जवाब बताने की सूरत में। इनको जवाब से महरूम रहने दीजिए, इनको क्यों मोबाइल की गाड़ी से दूर कर दीजिए, आप संगदिल होने का सबूत दीजिए, कोई हर्ज नहीं इसमें। बताइए जनाब, दुनिया का तकरीबन 90% जूट किस मुल्क में पैदा होता है? दुनिया का 90% एक ही मुल्क में पैदा होता है। बांग्लादेश में पैदा होता है। जबरदस्त। बताइएगा, जीटी रोड स्टैंड्स फॉर? जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, वाह। बताइए, इंटरपोल स्टैंड्स फॉर? कान में उन्हें बता रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, उनके आपके बोलने में पाबंदी है क्या? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस, वाह, कि जिसमें रेड वारंट के जरिए मुलजिमों या मुजरिमों को गिरफ्तार करवाया जाता है। जनाब अली, दूसरी जंगे अजीम, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बता दीजिए कि कब शुरू हुई या ये बता दीजिए कि कब खत्म हुई, कोई एक बता दीजिए। 1939 स्टार्ट, 1945 एंड। वाह, 1939 में आगाज, 1945 में खिताब। पहले राउंड के टीम ए ने 100% सही जवाब देकर हासिल किए 40 नंबर। वाह भाई वाह, जबरदस्त। टीम बी तैयार है? प्रेशर में तो नहीं आ गए? वो पहले वाला बैट्समैन सेंचुरी बना लेते तो दूसरा बैट्समैन जरा सा नहीं, अभी सिर्फ आगाज है और आखिर रैपिड फायर राउंड तक जाते जाते पूरी तस्वीर भी तब्दील हो जाती है, अक्सर ये देखा है सबने, तो बिल्कुल इनमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बताइए पहला सवाल आपसे, हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय कौन था? रेडक्लिफ। माइक में बोलिए। रेडक्लिफ। कौन? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ नहीं जनाब, हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय। ऑडियंस में से आवाज आ सकती है, बताएगा कोई? बताए वैसे ही बता दें। यस, लॉर्ड माउंटबेटन। जवाब हो गया आपका गलत। चले जनाब, चांद पर सबसे पहला जो कदम रखा गया वो किस सन में रखा गया था? 1911 नहीं, अगर आप आसपास भी होते तो मैं आपका जवाब सही मान लेता, लेकिन आप बहुत दूर हैं। 1969 में, यानी कि अब से तकरीबन कह लीजिए 45-50 साल, 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा गया। जवाब आपका हो गया गलत। अगला जवाब आपका गलत नहीं हो सकता। थर किस सूबे में वाके है? सिंध में। सोच रहे सिंध। तो इसमें इतना सोच क्यों रहे थे भाई?
प्रेशर में नहीं आना आपने। हाँ कौन है बाजी? शर्मीन प्रेशर नहीं लेना आपने, ठीक है जी। आपसे हो गए हैं तीन सवाल। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत तकरीबन कितने साल रही? आपने यहां देखना है, वहां नहीं देखना। मैं आपका भाई आपके सामने खड़ा हूं, मुझे देखें। चाहे तो महमूद साहब को भी देख ले, कोई हर्ज नहीं। और कारी साहब को देखने में तो जाहिर है कोई हर्ज नहीं। 40 साल। 40 साल जवाब गलत हो गया। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत 104 साल रही। अगर आप 100 साल भी कहते तो हम जवाब सही मान लेते। टीम बी ने दिए हैं एक सवाल का सही जवाब। बड़ी सोचो विचार के बाद उन्होंने बताया है कि थर सिंध में वाकई है। जनाब टीम सी, अगले हमारे कुछ सवालात हैं आपसे। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने एक नए मजहब की बुनियाद रखी थी, उसका नाम क्या था? उसने अपने तौर पर एक नए मजहब की बुनियाद रखी। पारसी। सॉरी अशरफी साहब, थोड़े से इशारा, सवाल भी मौजूद है। रिपीट कर दे क्वेश्चन। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने एक नए मजहब की बुनियाद रखी थी, उसका नाम? काउंट डाउन शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। सिखिज्म। क्या कह रहे हैं? सिखिज्म। दीन ए इलाही। उसने अपने तौर पर एक नए मजहब की बुनियाद रखी थी, जिसका नाम था दीन ए इलाही। इस्लाम से पहले यहूदियों का मरकज कौन सी जगह थी? इस्लाम से पहले यहूदियों का मरकज कौन सी जगह थी? बैतुल मुकद्दस। इस्लाम से पहले यहूदियों का मरकज खैबर। अगला सवाल बहुत आसान है। हज्जे अकबर किसको कहा जाता है, किस हज को कहा जाता है? हज्जे अकबर किस हज को कहा जाता है? ये तो बहुत ही, यहां देखें, यहां बहुत ही आसान है। ये तो बहुत ही आसान, बहुत आसान। एक मिनट पहले बहन को तो जवाब दे दो फिर भाई। हाँ काउंट डाउन शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। हज्जतुल विदा के हज को। हज्जतुल विदा के हज को जो जो जुमे के दिन आता है ना हज, वो हज जो जुमे के रोज किया जाता है। बल्कि कारी साहब मेरे ख्याल इस दफा जो हज हुआ है, अगर मुझे सही याद पड़े, वो जुमे के रोज ही हज अकबर था। इस दफा जो हज हुआ है वो हज अकबर हुआ है, जुमे के रोज वो हज हुआ है। अच्छा एक मैं बताना चाहूंगा जरा से कि हज अकबर जो है ये जुमे के दिन पड़ता है, और जुमा जो है इसकी अपनी अहमियत है। हाँ। लेकिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज किया है वो जुमे के रोज किया है, इसलिए उसकी फजीलत और ज्यादा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस वजह से इसको हज अकबर कहा जाता है। आखिरी सवाल भी आसान है, मुश्किल नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह को क्या कहा जाता है? आप ये नहीं सवाल है। रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह को क्या कहा जाता है? नहीं, क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। जवाब आपका यह भी हो गया है गलत। तो पहले राउंड के अख्तिताम पर टीम सी का कोई नंबर नहीं है, टीम बी के 10 नंबर्स हैं। टीम ए लीड कर रही है 40 नंबर्स के साथ। टीम बी मैं आपसे आगाज कर रहा हूं दूसरे राउंड का। आप मुझे बताइए आपसे अगले तीन सवाल जनरल नॉलेज से किए जाएं, स्पोर्ट्स से किए जाएं, या इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं। इस पर भी मशवरा इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज से आपसे किए जाएं अगले तीन सवाल। बहुत आसान सवाल, गजवा किसे कहते हैं? वो जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, वो जंग जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे। ऑल राइट, लव्स ईसा के मानी क्या है? लव्स ईसा के मानी क्या है? सॉरी जनाब काउंट डाउन। ईसवी से रिलेटेड नहीं। इसका जवाब हम बताएंगे आपको बाद में।
नहीं, लेकिन ये आपका जवाब गलत है। और आपसे तीसरा और आखिरी सवाल है, सबसे पहली अजान किस मस्जिद में दी गई? सबसे पहली अजान, जो सबसे ऑब्वियस जवाब हो सकता है वही है, मदीना मुनव्वरा में। जी मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा मस्जिद में, मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में दी गई, जवाब दुरुस्त है। जी तीन में से दो सवालात के आपने सही जवाब दिए हैं। जी बेहतर खेले। टीम सी आप बताइए, आपसे सवाल जनरल नॉलेज से किया जाए, स्पोर्ट्स से या इस्लामिक स्टडीज? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से, खेलों की दुनिया से ये चाहती हैं कि इनसे सवाल किया जाए। ऑल राइट, यकम जुलाई से वो कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो आईसीसी के सदर बनेंगे? जहीर अब्बास। बिल्कुल ठीक। दुनिया टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस किस मुल्क ने खेले? कितने खेले आपने नहीं बताना, सिर्फ बताना किसने खेले सबसे ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया। मरवा दिया ना ऑडियंस ने। मेरे कान में गवा दे ऑस्ट्रेलिया, फिर यहां से गवा दे ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड। पहला जवाब ही सही माना जा सकता है, सही जवाब आपने अब दिया है, लेकिन ये जवाब ऑडियंस की तरफ नहीं देखा था। अच्छा नहीं देखा होगा, ठीक। मैंने आप पे खुदा ना खास्ता इल्जाम नहीं लगाया, मैंने से कहा इस तरह, लेकिन आपका सही जवाब नहीं दे सकी आप। अब आप कहें तो मैं साहब, आप बताएं भाई इस जवाब को सही माना जाए या नहीं। पहला जवाब तो गलत दिया है, लेकिन ये असल में ऑडियंस पे से भी आवाज आ गई। हाँ तो वो कह रही है मैं ऑडियंस की राय से असरअंदाज नहीं हुई। अच्छा बस फिर ठीक है, फिर तो दे दिया। लेकिन पहला जवाब होता है आखिरी जवाब, क्या ऑस्ट्रेलिया जवाब दिया था इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया जवाब दिया था। हाँ, हाँ, आपने मना किया नहीं है तो फिर उन्होंने फिर तो है ना, अगर फिर हमने ठीक दे दिया था। अरे तो इस तरह तो वो सबको फिर मौचांस देना पड़ेगा ना। अशरफी साहब के कहने पर मैं मार्क्स नहीं दे रहा, अशरफी साहब जुनेद जमशेद साहब आपके उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं, इसका नोटिस लिया जाए। स्क्वाश के किस खिलाड़ी ने 555 मुतवातिर मैच जीतने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया था? 555 मुतवातिर मैच। जहांगीर खान। जहांगीर खान, फखरे पाकिस्तान। 555 मुतवातिर मैचेस, क्या बात है जनाब। टीमें आप बताइए, आपसे तीन सवालात किस शोबे से किए जाएं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जर्नल नॉलेज से आपसे तीन सवालात किए जाएं, ये भी एक होना चाहिए सेगमेंट। जिस मुल्क की तारीख में आधी हुकूमत जर्नलों ने की है, वहां जर्नल नॉलेज का भी एक राउंड होना चाहिए। भाई बहुत आसान सवाल आ गया है, बदकिस्मती से मुझे अफसोस है, आपसे मुश्किल सवाल आना चाहिए था, आप अच्छा खेल रहे हैं। टोरंटो और ओटावा किस मुल्क के शहर हैं? कनाडा। कनाडा के शहर है, बिल्कुल ठीक। उर्दू मौल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? उर्दू मौल्ला गालिब, मिर्जा गालिब के खतूत का मजमुआ। अच्छा जनाब आखिरी सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा चावल किस मुल्क में उगता है? चाइना। चाइना में उगता है, वाह वाह। तो दूसरे राउंड के अख्तिताम पर टीम सी के 20 नंबर्स, टीम बी के 30 नंबर्स, टीम ए 100% मार्क्स लेकर 70 नंबर्स के साथ सरफहरिस्त। लेकिन अगर आपको कल का मुकाबला याद हो, बिल्कुल कारी साहब, कल एक टीम जो सबसे पीछे थी उसके 20 नंबर्स थे, 20 दूसरे राउंड के अख्तिताम पर। जो सबसे आगे टीम थी उसके कुछ 100 के करीब नंबर थे, हाँ 100 नंबर, और आखिरी राउंड बाकी था, 100 वाली टीम 100 पर ही अटक गई, 20 वाली टीम के 130 नंबर दो और वो मैच जीत गए। जीत सकते हैं तो ये बिल्कुल हर कोई गेम में है, इनके 70 नंबर हैं, कल की टीम के 100 नंबर थे और वो 100 पर अटक गए। चूंकि आखिरी राउंड है, रैपिड फायर राउंड, एक मिनट तक मैं मुस्तकिल सवाल करता रहूंगा, हर सही सवाल पर 10 नंबर आपके नंबर्स में ऐड होते चले जाएंगे, तो एवरीबॉडी इज स्टिल वेरी मच इन द गेम। तो मैं अब सवालात का
आगाज करने लगा हूं टीम बी आपसे, आखिरी राउंड है या आपके पास आखिरी चांस है क्यू मोबाइल की गाड़ी के करीब पहुंचने का। ठीक है जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। गज़वाए बदर किस इस्लामी महीने में हुआ? पास। रमजान। लियाकत अली खान का मजार कहां वाक़ है? उसमें कोटा पेशावर। गलत, कराची। हजरत मरियम की परवरिश किसने की? पास। हजरत जकरिया। वो कौन सा जानवर है जिसकी कमर पर उसकी अपनी पानी की टंकी होती है? बिल्कुल ठीक। उर्दू ये लफ्ज किस जबान का है? तुर्की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिरौन से आजाद होने के बाद बनी इसराइल किस वादी में ठहरे थे? पास। वादी सीना। अबू लहब को रसूल अकरम की पैदाइश किस पैदाइश की खबर किसने दी थी? पास। सोबिया ने। फिरौन की लाश के अलावा क्या चीज है जो अल्लाह ने निशानी के तौर पर महफूज रखी? पास। कश्ती नू। जब मूसा अलैहि सलाम ने अपना असा पत्थर पर मारा कितने चश्मे फूटे थे? एक। 12। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम पर इल्जाम लगाने वाली अजीज मिस्र की जोजा का नाम जुलेखा। नजाशी बादशाह के सामने किस सहाबी रसूल ने तकरीर की? नौ। ये तो मामला हो गया खराब। मामला खराब हो गया। 50 नंबर्स पर बाजी शर्मीन आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, और बात बाजी अम्मान नहीं भाई अम्मान आपका भी। चलें देखते हैं कि टीम ए सी मुकाबले में वापस आती है या नहीं आती। लेट्स सी। इम्कानात मुझे नहीं पता कि क्या है, बहरहाल देखते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। पहला सवाल वही है, नजाशी बादशाह के सामने किस सहाबी रसूल ने तकरीर की? पास। हजरत जाफर बिन तैयार। पैगंबरों की सरजमीन किस रियासत को कहा जाता है? पास। फलस्तीन। सूरह यासीन मक्की सूरह है या मदनी? मक्की। बिल्कुल ठीक। दिनों का सरदार किस दिन को कहते हैं? जुम्मा। बिल्कुल ठीक। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? पास। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के कितने हमले मशहूर हैं? पास। 17। मच्छर और मक्खी के कितने पर होते हैं? दो। शुक्रिया। कौन से नबी मछली के पेट में दाखिल होके भी जिंदा रहे? हजरत अनस। गलत, हजरत यूनुस। यूनुस का अनस समझ में आया। रिवायत के मुताबिक हश्र का मैदान किस जगह कायम होगा? पास। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? पास। दरियाए रावी किस शहर में बहता है? लाहौर। लाहौर में बहता है। तकते हुए हर शय को बड़े गौर से गुजरे महमूद भाई, तकते हुए हर शय को बड़े गौर से गुजरे हम बात तेरे जब कभी लाहौर से गुजरे। लाहौर से जो है ना, ये बड़ा एक अजीब और गरीब मामला है। है, 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 है। तो आज का जो शान इल्म है वो बिल आखिर एक यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। 10 विकटों की जो होती है ना फतह, इनिंग्स की फतह जो होती है वो हासिल हुई है क्योंकि टीम सी के हैं 7 नंबर्स, बी के 50 नंबर्स। तीसरा राउंड खेले बगैर टीम ए के हैं 70 नंबर्स। बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत मुबारकबाद, जबरदस्त, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। 100% मार्क्स लिए हमारी टीम ए ने, यानी कि मीर मोहम्मद साहब ने और अब्दुल सत्तार साहब ने। आपका ताल्लुक है दाऊद यूनिवर्सिटी से, तो जो हमारे आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ब्रिज पावर की जानिब से, करशी की जानिब से, हाई स्पीड की जानिब से, क्यू मोबाइल की जानिब से। आज के विनर के लिए है 1 एप्पल पीसी, और आज के हमारे विनर क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल राउंड के लिए, जिसके विनर को मिलेगी क्यू मोबाइल की ये कार। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हारी साहब क्या कहिएगा? वैसे आज टीम ए जो है इसने दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया वाकई। इतने अच्छे जवाब दिए और इतनी जल्दी जल्दी जवाब दिए कि बड़ा अच्छा लगा। और पूरे राउंड में कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं हुआ जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया या गलत दिया, कोई एक भी राउंड ऐसा नहीं हुआ। सबके जवाब दिए, सबके सही जवाब दिए। अशरफी साहब मजा आया आज?
बहुत आज लुत्फ आया, टीम ए ने दिल खुश किया और बाकी मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा नर्वस लग रहे थे। मुझे भी लगा, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि वो असल में उन्होंने अटैक इतना जबरदस्त किया ना पहले राउंड में, ठक 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 चार जवाब देके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान है जंग से। तो हमारी बाकी दो टीम ने भी बहुत अच्छा खेल पेश किया है, इनकी भी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी तालियां। तो भाई क्या तैयारी करके आए थे, क्या कहां से क्या पढ़कर आए थे कि मैं सवाल किए जा रहा था और ऐसा लग रहा था पर्चा आउट हो गया है, जो कि मुमकिन नहीं है, इसलिए कि पर्चा सिर्फ मेरे पास था। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मतलब इस तरह के नॉलेज वाले क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना स्कूल में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और रिसाले पढ़ना जो इल्मी रिसाले होते हैं, और इसके अलावा भाई को मैं अपने कहता हूँ मिनी कंप्यूटर कहता हूँ इनको। भाई आपके? जी भाई मिनी कंप्यूटर है जी। माशाल्लाह फुल कंप्यूटर है ये तो पता लगेगा जब फाइनल राउंड होगा। हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां, शान-ए-इल्म में एक वक्त के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।